आप जहाँ बैठे हैं ये महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ का कैंपस है, जिसको हमारी महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी मैनेज करती है और मैं इस सोसाइटी का जॉइंट जनरल सेक्रेटरी के नाते काम देखता हूँ। आज जो एजुकेशनल ड्राइव है एनवायरमेंटल के ऊपर, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, इसके बारे में कुछ बताइए। आज पूरा विश्व पर्यावरण को लेकर चिंतित है, एनवायरमेंट को लेकर पेरिस में और हर जगह इंटरनेशनल मीट्स हो रही हैं। ये एक चर्चा का विषय है क्योंकि पिछले 50-60 वर्षों में ह्यूमन बीइंग ने प्रकृति का इतना दोहन कर लिया है कि आज पूरा विश्व इससे चिंतित है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वातावरण जीने लायक बचेगा या नहीं। आपकी हिमाचल यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसे ड्राइव्स को इनिशिएट किया जा रहा है? महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी जो बद्दी में है, वो हमारा चारों तरफ से एक हरियाली खूबसूरत वातावरण में है और जब भी हम कमरों की खिड़की से देखें तो हमें कसौली के हरे भरे पहाड़ तो दिखाई देते हैं, लेकिन जो हमारा अटल शिक्षा केंद्र है इसमें वृक्षारोपण की अभी बहुत ज़रूरत है। तो ये ड्राइव हम वहाँ पहले से ही प्रारंभ कर चुके हैं और जैसे आज यहाँ प्रारंभ हो रहा है और एक बड़े स्तर पर, वहाँ हमारे पास ग्रीन लैंड बहुत है पीछे 25 एकड़ के करीब, उस सब को पूरा हम ग्रीन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो मनोज जी, आपका क्या मानना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स किस हद तक ऐसी ड्राइव्स को इनिशिएट कर सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को अपने ऐसी ड्राइव्स से? जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं हायर एजुकेशन के, यहाँ जो स्टूडेंट हैं स्कूल के बाद आते हैं, वो इंजीनियर बनने, मैनेजमेंट गुरु बनने या लॉयर बनने वो आते हैं, और आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो मेंटली बहुत होशियार हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लासेस अटेंड नहीं करते, ये हमारा यहाँ का भी अनुभव है। लेकिन यदि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसमें समाज सेवा हो, पर्यावरण रक्षा हो, इन सब में हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप होता है, लगभग 800 स्टूडेंट ब्लड एक दिन में देने को तैयार रहते हैं, तो आज का जो यूथ है उसमें बहुत अच्छाइयाँ भी हैं। हम जो है उन अच्छाइयों को आगे लाना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। तो हमारे जो 15-20 साल का हमारे इस कॉलेज का इतिहास है, तो हमारे बच्चे पढ़ाई में ना केवल आगे हैं, इस सेवा के कामों में बहुत आगे हैं। तो फ्यूचर में हमें क्या ऐसी ड्राइव्स और देखने को मिल सकती हैं? आज जो ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, ये हमने एक पूरे वर्ष का कैलेंडर बनाया है, विश्व पर्यावरण रक्षा दिवस के रूप में आज मना रहे हैं, हर महीने किसी दिन संस्कृति रक्षा दिवस, इस टाइप से हमारे कार्यक्रम प्रति माह नए कार्यक्रम प्रारंभ होंगे और ये एक साल तो इस वर्ष है, तो फिर अगले साल उससे अगले साल कुछ ना कुछ होता रहेगा। थैंक यू सो मच।